तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप अपने मोबाइल में किसी वीडियो को वॉच करते हैं या फिर यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं या फिर अपने फाइल्स में वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो देखते देखते क्या होता है कि आपकी स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं वीडियो देख रहा हूँ और ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और फिर आप टच करते हैं या फिर या तो क्या होता है कि आपका लॉक स्क्रीन ही लग जाता है कभी कभी, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है। अब किस केस में ये ऑफ होनी चाहिए, अब जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी वीडियो वगैरह या फिर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला रहा हूँ, अब मैंने अपना मोबाइल ऐसे ही रख दिया, तो टाइम सेट होता है 1 मिनट 2 मिनट का, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है। लेकिन जब भी आप वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो जब तक आप स्क्रीन पर टच कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, और टच नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है वो ऑफ हो रहा है, मतलब ब्लैक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल रही है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर जब तक मैं टच करूंगा तब तक तो चलता रहेगा, अब जैसे मैंने टच करना बंद कर दिया तो ये अपने टाइम के हिसाब से बंद हो जाएगा, लेकिन वीडियो चलती है तब बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका फिर भी बंद हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद अभी हमें यहाँ पर अपना जो डेवलपर ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं एडिशनल सेटिंग में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर भी डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अब इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने अबाउट डिवाइस या फिर अबाउट फोन में चले जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वर्जन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको वर्जन पे क्लिक कर देना है। वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर से आपको यहाँ पे एक सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, बस आपको इस पर टैप टैप करते रहना है। जैसे ही आप टैप टैप करेंगे तो कुछ देर बाद आपके स्क्रीन का जो लॉक है वो यहाँ पे मांगेगा, आपको अपना स्क्रीन का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद बैक चले जाना है एंड फिर से आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर सेटिंग्स जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग ढूंढ लेनी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग ढूंढनी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी, क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस वाली सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सेंसर से रिलेटेड सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंसर है, यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन सेंसर है वो ऑफ है, अगर ये आपका ऑन रहता है तो सेंसर वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर आपके सेंसर में कोई भी कमी नहीं है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी लग जाती है या फिर आपका जो सेंसर है वो खराब हो जाता है, तो उस केस में आपको अपने सेंसर को ऑफ कर देना है। अगर आप सेंसर को ऑन रखेंगे तो कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा, तो इस वजह से आपकी स्क्रीन ऑफ होती रहेगी, कभी चालू हो जाएगी कभी ऑफ हो जाएगी, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। अगर सेंसर में प्रॉब्लम होगी या फिर आपने जो भी स्क्रीन गार्ड लगाया है, टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, तो उसमें मिट्टी वगैरह हो जाती है, सही से आप ग्लास नहीं करवाते हैं लगवाते हैं, एंड यहाँ पे आपका जो सेंसर है वो खराब हो जाता है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सेंसर को ही ऑफ कर देना है। अब सेंसर वर्क नहीं करेगा तो आपका जो मोबाइल है वो ठीक हो जाएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल रही थी डिस्प्ले से रिलेटेड वो आपकी फिक्स हो जाएगी। एंड आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बैक जाऊंगा, एंड रिस्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल से अपने मोबाइल की पावर बटन को दबा के रखना है। पावर बटन जैसे ही दबा के रखेंगे तो आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर रिबूट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा या फिर रिस्टार्ट का। आपको रिस्टार्ट कर देना है अपने मोबाइल को, एंड आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा एंड थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। अब काफी सारे लोगों की तो ये भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मोबाइल मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, अभी यहाँ पे ऑन है मोबाइल, अब ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद बंद होगा, लेकिन काफी सारे लोगों का बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। एंड डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे लाइट मोड कर देना है। लाइट मोड करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना जो टाइमर है वो सेट करेंगे। तो देख सकते हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ का एक यहाँ पे सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। तो काफी सारे लोग तो यही सोचते हैं कि ऑटो स्क्रीन ऑफ का मतलब है जब भी आप वीडियो देखते देखते यहाँ पे 30 सेकंड में हमारी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, आपका मोबाइल होम स्क्रीन पे होता है, आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तब ये काम करती है सेटिंग्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो ऑटो स्क्रीन है उसको यहाँ पे टाइमर जो है वो बढ़ा लेना है, अगर आप चाहते हैं 1 मिनट के बाद अपना आपका जो मोबाइल है वो ऑफ हो। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही 1 मिनट होगी, अब यहाँ पे मैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे ही 1 मिनट होगी मेरी स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो
इस तरीके से आप अपना इसका जो टाइमर है डिस्प्ले का वो बढ़ा सकते हैं अपने स्क्रीन का, और जो सेंसर की प्रॉब्लम थी जिसमें आप वीडियो प्ले कर रहे थे तो वो कुछ उस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। सेंसर को ऑफ कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।